बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग बैंक, कौमी बचत बैंक ने बड़े मुनाफे का ऐलान कर दिया है। जिनके पास बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट यानी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 5,000 से लेकर आप अनलिमिटेड 10 लाख 20 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। बड़े मुनाफे का ऐलान किया गया है। आज सिर्फ मैं आपको बताऊंगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। देखें, आज मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि आपको 5,000 रुपए पे महाना कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10,000 रुपए पे कितना, और 50,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या 1 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको महाना कितना प्रॉफिट होगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। देखें, यहां पर ये लिखा हुआ है, मैं एक दफा ये सर्टिफिकेट आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के कवायद 2003 के मुताबिक जारी किया गया है और वो इन कवायद का पाबंद समझा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ये इकरार करती है कि इस सर्टिफिकेट की रकम और इस पर वाजिबुल अदा मुनाफा कवायद के मुताबिक अदा करेंगे। जो मैं मुनाफा बताऊंगा जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रखा गया है, तो वो प्रॉफिट कितना है और आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, छोटी सी वीडियो है, मुकम्मल तफसील बताऊंगा, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दें ताकि वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, इसमें अपने पैसे रख सके, बैंक में आपके पैसे भी सेफ रहेंगे और आपको मुनाफा भी होता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से 1 सेकंड लगाए, नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन पर लाजमी से क्लिक करके आल पर रखें ताकि इस तरह की हर अपडेट, जिस भी तरह का कोई भी मुनाफा, किसी भी किस्म की कोई भी अपडेट आती है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या नेशनल सेविंग बैंक की जानिब से कोई भी मुनाफे का ऐलान किया गया है जाता है किसी भी तरह के, वो आप दोस्तों को बताता रहूंगा। तो आज मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको 12.75% यहाँ पर फायदा होने वाला है, मुनाफा होने वाला है। पहले 11.32 आपको मिलता था, अब तमाम टैक्सेस काट कर आपको 12.75 मिलेगा। यहां पर आप देखें, अगर आप इसके अंदर 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5,000 रुपए आप रखते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, तो यहां पर आप देखें आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12.75%, आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा 637 रुपए। यानी अगर आप 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 साल में 637 रुपए की यहां पर आपको मतलब मुनाफा होगा, 637 रुपए का 5,000 पर 1 साल के अंदर। अगर हम इसको कर दें अब 12 पर, तो यहां पर 12 में कर देता हूं और इसको देखें 53 रुपए आपको महाना प्रॉफिट होगा 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने पर। अब यहां पर हम लगा देते हैं, देखें इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं, इसको यहां से सारे को खत्म कर देता हूं और उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि आपने यहां पर देखें, ठीक है। अब मैं 5,000 किया था, अब मैं 50,000 करता हूं, 50,000 मल्टीप्लाई 12.75। यहां पर आप देखें कि आपको जो यहां पर जो मैंने करना था फीसद में करना था, दोबारा इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखें यहां पर मैं 50,000 मल्टीप्लाई 12.75%, ठीक है, आपको सालाना 50,000 रखने पर 6,375 रुपए का प्रॉफिट होगा सालाना, ठीक है। अब इसको हम महीने पर डिवाइड कर, मतलब यहां पर करते हैं 531 रुपए आपको महाना प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है। अब हम यहां पर इसको 10 लाख पे करते हैं, देखें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 12.75 पे कि अगर आप 10 लाख रुपए रखते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। देखें यहां पर ये बनता है 1,27,500 साल में, यानी आपको 1,27,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब इसको हम कर देते हैं मंथ पे, आपको महाना जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 का होता रहेगा, 10,000 आपको फ्री में आते रहेंगे महाना, ये हुकूमत पाकिस्तान ने आपसे वादा किया है और ये मुनाफा आपको मिलेगा। तो ये थी आज की ताजा तरीन अपडेट, 11.25 से शायद बढ़ाकर 12.75 की गई है, मुनाफा बहुत बड़ा है। आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसे रखना चाहते हैं तो रखें, आपको मुनाफा होगा, ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वादा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।